तो बात करते हैं उत्तराखंड की नई भर्ती, जिसमें यहाँ पर निकाली है 35,400 वेतन इसको मिलेगा। कुल पदों की संख्या इसमें रखी गई है, जिसमें अनुसूचित जाति के 11 हैं, जनजाति के 2 हैं, ओबीसी की 8 हैं, 6 आपके यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए हैं। अनारक्षित के 35,062 पद निकाले गए हैं, ये आपके लास्ट डेट रहेगी 18 नवंबर। 18 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। फार्मासिस्ट की पोस्ट है, ये आपके क्वालिफिकेशन में आपको बता देते हैं इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 18 तारीख इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, इसी 29 तारीख से फॉर्म फिल करने हैं। ठीक है, योग्यता अगर बात करूँ तो योग्यता वहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की जो निम्न अर्हताएं हैं वो आवश्यक होनी जरूरी है। ये कंपलसरी वाला है जो यहाँ पर लिखा गया है, अधिमान्य वाला का ये कंपलसरी नहीं है। इसमें कहा गया कि अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो तथा स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग काउंसिल उत्तराखंड में रजिस्ट्रीकृत, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन होना ये कंपलसरी है। यानी कि आपके पास एक तो फार्मेसी डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, दूसरा आपको जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जो है आपके पास उत्तराखंड में रजिस्टर होना कंपलसरी है, तो ही अप्लाई कर पाओगे। बाकी ये अधिमान्य है, अधिमान्य में कंपलसरी नहीं। इसमें आपके पास पारदर्शी सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अर्हता है, और ये आप जो NCC ग्रेडेड BC अगर पर है ये कंपलसरी नहीं है। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 29 अक्टूबर है, 29 तारीख से कर सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है, अच्छी वैकेंसीज हैं, 62 पद निकाले गए हैं, अन्य पद और भी निकालेंगे जल्दी ही। और इसमें जो धनसिंह रावत का अलग टारगेट चला है, 700 पद निकालने की बात करी गई है इसमें। ठीक है, तो ये अभी कम पद निकाले गए हैं अभी, और इसके रिगार्डिंग और इसमें ANM GNM की भी अलग अलग पद निकाल सकते हैं बाद में।